हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 स्वागत जिंदगी मींस वेलकम लाइफ का, जो आपका सैम्पल पेपर तो अभी नहीं आया, पैटर्न और सिलेबस आ चुका है कि आपका कितने चैप्टर आएंगे और कितने मार्क्स का आपके थ्योरी का पेपर में से क्या क्या आएगा और कितने आपके प्रैक्टिकल का पेपर होगा, कितने का आपकी कितनी इंटरनल असेसमेंट होगी, ये सारा आपका आ चुका है पैटर्न। तो आज हमने यही डिस्कस करना है। हमने सारे ही सब्जेक्ट 10th क्लास के, 8th क्लास के, 5th के और 12th के डिस्कस करने हैं, ठीक है। और अगर नॉन बोर्ड क्लास के बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो, उनको तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, तो मैं नॉन बोर्ड क्लास का भी सिलेबस और पैटर्न बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, क्योंकि आपके लिए हम पंजाब बोर्ड की अपडेट सबसे पहले लेके आते हैं और साथ ही फाइनल एग्ज़ाम या फिर आपके प्री बोर्ड है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट स्वागत जिंदगी 10वीं आपका जो थ्योरी का पेपर होगा, लिखित पेपर, वो 50 नंबर का होगा। 2 घंटे का समय है। अब देखते हैं प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या होगी। सारे प्रश्न आपको ज़रूरी करने होंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र के आपके 4 पार्ट होंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न करना जरूरी होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका जो है बहुविकल्पीय MCQ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 1-1 मार्क्स के कितने 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके पार्ट 2 में 2-2 नंबर के जो है, आपको यहाँ पर देखो क्या होगा कि प्रश्न नंबर 2 दे 5 भाग होंगे, खाली था भरने को आएगा और जो मिलानकरण को आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट सही गलत आएंगे, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके आपके टोटली 10 नंबर का काम आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 चीज़ें दी हुई, खाली था और मिलानकरण, ठीक है। तो ये दोनों आपके 10 नंबर के आएंगे, 10 के MCQ आएंगे, 10 के खाली था और मिलान करो मीन्स मैचिंग, ठीक है। उसके बाद अगले पार्ट में जो है आपको एक पैराग्राफ आएगा, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपने उसका आंसर देना है, ठीक है। वो आपका आएगा 10 नंबर का, मीन्स 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो लास्ट आपका पार्ट होगा उसमें आपके जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, जिसको 50 से 60 शब्दों में आपको उसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। वो 20 मार्क्स का। तो देखो यहाँ पर मैं टेबल में आपको प्रॉपर बता देती हूँ, समझ आएगा। 10 MCQ लेने हैं आपके 10 नंबर के, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें कि ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच, समथिंग ये होता है, तो ये 1-1 मार्क्स के 10 आएंगे। उसके बाद छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पैराग्राफ से, उसका आंसर आपको देना होगा। और बड़े क्वेश्चन आएंगे आपको जो है 4 करने होंगे, ठीक है। तो वो 5 नंबर के होंगे, तो आपने 4 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पे 20 नंबर टोटल आपके जो हो जाएंगे 50 मार्क्स की थ्योरी। चलिए प्रैक्टिकल का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब 40 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो आपकी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, अच्छी तरीके से सारी क्रियाएं तो वो चेक की जाएगी, उसके आपके 20 मार्क्स है, ठीक है। सारी फाइल प्रॉपर बनी होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो प्रैक्टिकल का है, जो भी प्रैक्टिकल में आपको क्रियाएँ दे रखी हैं, प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, उनमें से कोई एक प्रैक्टिकल आपको कराया जाएगा मीन्स रिटर्न में, ठीक है। उसके बाद जो है आपका वाइवा, जो भी आपको क्रिया की हुई है प्रैक्टिकल्स में उससे रिलेटेड जो है वाइवा आपको आएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 10 नंबर का वो होगा। मीन्स 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, 50 के आपकी थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट जो कि टीचर लगाएंगे आपके, वो 10 मार्क्स की होगी। वो डिपेंड करेगी आपके क्लास की परफॉर्मेंस पे, तो आप क्लास में अपने टीचर्स के साथ अच्छी परफॉर्मेंस रखना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वेलकम लाइफ का पूरा 100 मार्क्स का पेपर। और सारे सब्जेक्ट की सीरीज जो है हम लेके आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।